गुड मॉर्निंग, आई एम तबरेज़ अख्तर। दिस इज़ योर साइंस क्लास। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 15, एयर अराउंड अस। हमारे आस पास की जो एयर है उसके बारे में पढ़ेंगे। वी हैव लर्नड इन चैप्टर नाइन दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर रिक्वायर एयर, बट हैव यू एवर सीन एयर। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि सारी लिविंग बींग जो होती हैं, जो भी जिंदा चीज़ें होती हैं, जो जीवित होती हैं, उन सबको एयर की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है। लेकिन क्या हमने हवा देखी है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर, बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मेनी वेज। आपने देखा तो नहीं है पर उसको फील ज़रूर किया है। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ ट्रीज रसल और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन द क्लोथ लाइन स्वे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने फील कैसे किया है, इस चीज़ को आपने देखा कैसे, आपने समझा कि एयर होती है, हवा होती है, जब आपने किसी ट्री को देखा है, लीव्स देखी हैं, जो पत्तियां देखी हैं, तो जब वो हिलती हुई समझ में आई तो आपको पता चलता है कि हाँ हवा है जिसकी वजह से हिल रहे हैं, या कपड़े जो फैले हुए हैं वो हिलते हैं, उससे पता चलता है। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन, द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5 इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सॉडस्ट बाय विनोइंग। ठीक है, तो इस टाइप से हमने बहुत सारी चीज़ें हमने रियलाइज़ की, जिससे पता चला कि हाँ एयर तो है, हवा तो है। देखिए, जैसे आपकी काइट जो है वो अगर हवा में ऊपर जा रही है ना, तो इसका मतलब हवा है, एयर है ना। और आपने जब सैंड और सॉडस्ट को अलग किया था चैप्टर नंबर 5 में, एक प्रोसेस देखी थी विनोइंग, तो विनोइंग को क्या करते हैं, ऊपर से किसी चीज़ को गिराते हैं तो विनोइंग होती है, यानी उससे जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं और जो भारी पार्टिकल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हम सैंड और सॉडस्ट को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, विनोइंग इज़ मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। तो विनोइंग जो है इफेक्टिव कब होती है, जब हवा चल रही हो, यू मे हैव मोर इफेक्टिव होती है जब हवा चल रही हो। हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड, इट मे इवन अपरूट्स ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। तो आप कभी देखें कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है, तूफान आ जाते हैं, तो आपके कुछ कच्चे जो घर होते हैं वो कच्चे घर की छतें भी उड़ सकती है और उड़ जाती है, ट्रीज जो है वो भी उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी, तो क्या आपने फिरकी के साथ खेला हुआ है? लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ आवर ओन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शोन इन फिगर 5.2। होल्ड द स्टिक एंड फिरकी, प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन ओपन एरिया, मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, डज द फिरकी रोटेट, द व्हाट मेक्स द फिरकी रोटेट, मूव एयर इजेंट इट। तो आप जब फिरकी को आगे पीछे करते हैं तो वो घूमती है, तो कैसे घूमती है, क्यों घूमती है, क्या इससे पता चला कुछ? तो हाँ, एयर है उसकी वजह से ही घूमती है। हैव यू एवर सीन अ वेदर कॉक, इट शोज अ डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट द डेड प्लेस। कभी आपने इस टाइप का वेदर कॉक देखा होगा जिसमें एरो लगी होती है और एक कॉक जो है वो बना हुआ था ऊपर, तो जिस डायरेक्शन में हवा मूव कर रही होती है, एयर मूव कर रही होती है, उस डायरेक्शन को ये शो करता है। इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या एयर जो है, जो क्या हवा है वो चारों तरफ है? क्लोज योर योर फिस्ट, व्हाट डू यू हैव इन इट, नथिंग, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। ठीक है, तो क्या हवा चारों तरफ होती है? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, टेक एन एम्प्टी बॉटल, ओपन बॉटल, इज़ इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड, टर्न इट अपसाइड डाउन, इज़ समथिंग इनसाइड इट नाउ। तो एक खाली बॉटल लीजिए, खाली बॉटल तो आप सामने रखी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि ये खाली है, पूरी तरह खाली है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक बार उल्टी करके भी देखिए उस बॉटल को। ठीक है, उल्टा करके रख दीजिए तो क्या आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह खाली है? ठीक है, चलिए अब आप जो भी कह रहे हैं ठीक है, अब आगे देखिए। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इन टू द बकेट फिल्ड विद वाटर एज़ शोन इन फिगर, ऑब्जर्व द बॉटल।
डज द वाटर इंटर द बॉटल? नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली. डज द वाटर नाउ इंटर द बॉटल? डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एनी बबलिंग साउंड? कैन यू नाउ गेस वॉट वॉज इन द बॉटल? ठीक है, अगर आप कहते हैं कि खाली बॉटल में कुछ नहीं है, हमने उल्टा करके भी देख लिया और सीधा करके भी देख लिया, कुछ भी नहीं है, तो अब उसी बॉटल को आप पानी में डाल के देखिए. ठीक है, पानी में डालने से पहले आप ये याद रखिए कि पहली बार जब पानी में डालेंगे, फर्स्ट टाइम जब पानी में डालते हैं, तो आपको बिल्कुल अपसाइड डाउन यानी बिल्कुल उल्टा इस तरह से पानी में डालना है, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए और उल्टा होना चाहिए. ठीक है, इस साइड से डालना है. ऐसे डालेंगे तो क्या देखेंगे, क्या उसके अंदर पानी जा रहा है? नहीं जा रहा है. क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उसके अंदर एयर है. ठीक है, उसके अंदर एयर है. ठीक है, अब जैसे ही इस बॉटल को आपने थोड़ा सा टेढ़ा किया, तो क्या हुआ, बबल्स निकलने लगे और उसके अंदर पानी जाने लगा. ठीक है, तो इससे पता चला कि अब पानी तो जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बबल्स बाहर आ रहे हैं. ये बबल्स क्या है? ये तो एयर बबल्स हैं. ठीक है, तो ये जो बबल्स हैं वो एक्चुअली में एयर है जो कि निकल रही है बॉटल से, और उस बॉटल में पानी अब भर रहा है. तो क्या आप कह सकते थे, या आप कह सकते हो कि उस बॉटल में जिसको आप कह रहे थे कि कुछ नहीं है, तो उसमें क्या थी? एयर थी. ठीक है, दैट इज़ वाई यू नोटिस दैट वाटर डज नॉट इंटर द बॉटल व्हेन इट इज़ पुश्ड इन एन इन्वर्टेड पोजीशन. इन्वर्टेड पोजीशन में पानी नहीं जा रहा था उसके अंदर, एज देयर वॉज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप, क्योंकि हवा जो अंदर भरी हुई थी उसको निकलने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए पानी अंदर नहीं जा रहा था. व्हेन द बॉटल वॉज टिल्टेड द एयर वॉज एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. ठीक है, तो अब जैसे ही बॉटल को हमने टेढ़ा किया, तो क्या हुआ कि जो हवा है उसको निकलने का मौका दे दिया गया, मिल गया, और वो एक बबल के फॉर्म में बाहर निकलने लगी. द वाटर फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेस दैट द एयर हैज़ ऑक्यूपाइड. अब पानी उसमें भरने लगा जहाँ पे पहले हवा भरी हुई थी और हवा निकलने लगी. द एक्टिविटी सोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. एयर हैज़ नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट, इट इज़ ट्रांसपेरेंट. तो हमने पता चला कि हवा चारों तरफ है, ये ट्रांसपेरेंट है यानी दिखाई नहीं देती. अवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय द थिन लेयर ऑफ एयर, हमारी जो अर्थ है वो एयर की थिन लेयर से सराउंडेड है. दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स. ठीक है, और ये जो एयर जो है वो बहुत लंबी कई किलोमीटर तक फैली हुई है. एंड इज कॉल्ड द एटमोसफेयर, और इसको एटमोसफेयर कहते हैं. एज वी मूव हायर इन द एटमोसफेयर द एयर गेट्स रेयरर, और हम एटमोसफेयर में जैसे ही ऊपर की तरफ या हायर ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो हवा जो है वो रेयरर होने लगती है, यानी बहुत प्रॉब्लम से मिलती है, यानी कमी होने लगती है. नाउ कैन यू थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स. तो आप क्या कह सकते हैं कि जो माउंटेन्स हैं उस पर चढ़ने वाले जो लोग होते हैं, जिनके माउंटेनियर्स कहते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके क्यों जाते हैं माउंटेन में चढ़ने के लिए? ठीक है, यही वजह होती है कि जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो ऑक्सीजन या फिर हम जिसको कहते हैं एयर, उसकी कमी होने लगती है. व्हाट इज द एयर मेड अप ऑफ? अंटिल द 18th सेंचुरी पीपल थॉट दैट एयर वॉज जस्ट वन सब्सटेंस. एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव दैट इट इज़ रियली नॉट सो. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. तो शुरू में क्या कहा जाता था कि एयर जो है वो एक ही सब्सटेंस है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि
जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस मिली हुई है. व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट, कौन कौन से मिक्सचर होते हैं एयर में. लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर वन बाय वन. तो हम देखते हैं कि किसी एयर में कौन कौन से मिक्सचर मिले हुए होते हैं, ये हम देखते हैं. फर्स्ट इज वाटर वेपर. वी हैव लर्नड अर्लियर दैट द एयर कंटेन्स वाटर वेपर. वी ऑल्सो सो दैट वेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कूल सर्फेस इट कंडेंसेस एंड ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल सर्फेस. द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर. तो ये जो हवा है जो हमारे चारों तरफ जो एयर है, एक्चुअली में इसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट हैं जो मिक्सचर हुए हैं, इसमें मिले हुए हैं, जो कि हम तो एयर को नहीं देख सकते, इसलिए इसके कोई कंपोनेंट हमें दिखाई नहीं देते. ठीक है, पहला कंपोनेंट जो था वो है वाटर वेपर. वाटर वेपर क्या होता है? वाटर वेपर मींस पानी की भाप. पानी की भाप एक्चुअली में जो भाप, पानी जब गर्म होता है तो वो भाप बन जाता है. ठीक है, तो वो भाप हवा में मिल जाती है, तो वो भी एक मिक्सचर होता है जो कि हवा में मिला हुआ होता है. नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन. इन दिस इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स टू स्मॉल कैंडल ऑफ द सेम लेंथ ऑन अ टेबल. लाइट बोथ द कैंडल्स. कवर वन कैंडल विद द इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर. ऑब्जर्व बोथ कैंडल्स केयरफुली. डू द बोथ कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल covered with glass tumbler got extinguished after some time whereas the candle continued burning. What can be the reason for this? Think about it. It seems that the candle got extinguished because the component inside of the glass tumbler which supports burning is limited. Most of the component is used up by the burning candles. ठीक है, तो अब एक एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कहा गया, उसमें एक टेबल में दो कैंडल लेनी है और एक ग्लास टम्बलर लेना है. ठीक है, एक कैंडल को ऐसे ही जलने देना है, एक कैंडल को इस टम्बलर से ढांक देना है. ठीक है, थोड़ी देर बाद आप ये देखेंगे कि ये कैंडल तो जलती रह जाएगी लेकिन ये वाली कैंडल जो है थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी. तो इससे क्या पता चला? तो इससे पता चला कि जो जिसको हमने ढांक दिया था किसी ग्लास टम्बलर से, तो वो उसके अंदर जो कैंडल थी, तो कैंडल को जलने के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है, कैंडल को जलने के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है, जो कंपोनेंट चाहिए होते हैं, वो कंपोनेंट या तो ख़त्म हो गए हैं इसलिए अंदर की जो कैंडल है वो अपने आप बुझ गई है. ठीक है, तो टम्बलर विच सपोर्ट बर्निंग इज लिमिटेड. मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज्ड अप बाय बर्निंग कैंडल्स. हाउ एवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एयर. दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन. ठीक है, तो अब पता चला कि कैंडल जो था गेटिंग कंटिन्यू ऑफ, तो बाहर वाली कैंडल जो है जलती रह रही है, जल रही है, जल रही है, और अंदर की कैंडल बुझ गई है. तो ये जो कंपोनेंट है जो बर्निंग में सपोर्ट करता है वो एक्चुअली में ऑक्सीजन है. जो हमने ग्लास को ढाक दिया था किसी कैंडल से, तो वो कैंडल ने थोड़ी देर तक जला, यानी वो कैंडल थोड़ी देर तक जली, तो जितनी ऑक्सीजन ग्लास के अंदर थी, हमने ढाक दिया था ग्लास, तो ग्लास के अंदर थी उतनी देर तक जली, और जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है ना, तो ये कैंडल बुझ गई. ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन जो होती है जो एयर में मिक्स होती है और इसी से बर्निंग यानी कोई भी चीज़ जलती है. ठीक है, ये दो चीज़ें पता चली. नाइट्रोजन. इन एक्टिविटी थ्री डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लो आउट. दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कॉम्पोनेंट इन द एयर which does not support burning. The major part of air which does not support burning candle is nitrogen. ठीक है, तो अब कैंडल बुझ तो गई है लेकिन फिर भी उसमें अभी भी बहुत सारे कॉम्पोनेंट हैं जो कि एयर में मिक्सड होते हैं, तो जो कि एयर जो कि बर्निंग को सपोर्ट नहीं करते, यानी वो जलने में किसी चीज़ को जलने में हेल्प नहीं करते.
इसी चीज़ को जलने में, जैसे कि कैंडल जलती है और भी कोई भी चीज़ जलती है, उसको जलने में सपोर्ट कौन करता है? ऑक्सीजन करती है, ऑक्सीजन जिसको O2 भी कहते हैं, ठीक है। और कौन नहीं करता है? नाइट्रोजन नहीं करती, ठीक है। दो बातें पता चली, नाइट्रोजन नहीं करती। और एयर में मिक्स क्या क्या होता है? अभी हमने देखा एयर में मिक्स वाटर वेपर होता है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है। इसके बाद और भी देखते हैं क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, इन अ क्लोज रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी अक्यूमुलेटिंग इन द रूम एज द बर्निंग कंटिन्यूज। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो जहाँ पे कोई चीज़ जलती है, कोई चीज़ जल रही है, अगर रूम में कोई चीज़ जल रही है, मान लीजिए लकड़ी जल रही है या कोई भी चीज़ जला के रखी हुई है, तो उसमें थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आपको सफोकेशन होने लगती है, यानी आपको घबराहट सी होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि कुछ रूम में, उस जगह पे जहाँ पे हम लकड़ी जला रहे हैं या कोई भी चीज़ जला रहे हैं किसी कमरे में, तो क्या होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है, उस कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ठीक है। जलने के बाद जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डेट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम एज द बर्निंग कंटिन्यूज। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंट होता है हमारी जो आसपास की जो हवा है उसमें, वो थोड़ा कम होता है। प्लांट एंड एनिमल जो होते हैं वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं फॉर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं प्लांट एंड एनिमल। मैटर आल्सो कंज्यूम्स ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट और एनिमल मैटर जो भी होते हैं, लकड़ी हो गया या कोई भी चीज़ होती है, जब वो जलती है तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है और उसके बाद ऑक्सीजन लेती है, जलने के टाइम पे ऑक्सीजन लेती है और प्रोड्यूस क्या करती है, प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप। इसीलिए कहा गया है कि ड्राई लीव्स जो है या फिर सूखी पत्तियां वगैरह और जो क्रॉप है होती हैं उसका जो रिमेन्स होता है, यानी जो बचा कुचा हिस्सा होता है फसल का, जो नीचे का हिस्सा जो होता है, उसको हमको जलाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। डस्ट एंड स्मोक, द बर्निंग ऑफ फ्यूल आल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल जो होता है वो स्मोक भी प्रोड्यूस करता है। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू ग्रेसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज़ ऑफन हार्मफुल। तो स्मोक में क्या क्या होता है? डस्ट पार्टिकल होती है और कुछ गैसेस होती हैं। दिस टेक्स अ हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोजेस बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई, ठीक है। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज, ठीक है। चिमनी जो होती है फैक्ट्री में, बड़ी बड़ी चिमनी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि जो चिमनी जो होती है, जो फैक्ट्री से निकलने वाले स्मोक है, जो धुआं है फैक्ट्री से निकलता है, वो उसको हमको नीचे ना छोड़ा जा सके, ताकि जो आसपास रहने वाले लोग हैं या शहर के लोग हैं, आसपास के लोग, उनको धुआं का सामना ना करना पड़े, इसीलिए लंबी चिमनी बनाई जाती है। तो धुआं जो होता है वो बहुत ऊपर छोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे नोज़ से तो वो धुआँ उन्होंने दूर छोड़ रहा है, दूर छोड़ रखा है, लेकिन वो बर्ड्स या फिर फ्लाइंग जो भी हमारे
जो भी उड़ रही होती हैं, जो बर्ड्स हवा में जो होती हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनको धुआं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल। अच्छा, डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, हवा में जो है हमेशा प्रेजेंट होते हैं। फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल और होम, क्लोज ऑल द डोर एंड विंडो विद कर्टन्स पुल्ड डाउन टू मेक द रूम डार्क। नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन जस्ट अ लिटिल इन सच अ वे दैट इट अलाउ सन लाइट टू इंटर द रूम ओनली थ्रो अ स्लिट। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सन लाइट। डू यू सी सम टिनी शाइनिंग पार्टिकल मूविंग इन द बीम और सन लाइट? वॉट आर दीज पार्टिकल्स? ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सन लाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल्स अपीयर टू डांस मैरिली अराउंड। ठीक है, तो आप कभी इसी ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखे होंगे या फिर आपने किया होगा कि क्या होता है कि जब आप किसी कमरे को बंद कर देंगे पूरी तरीके से और फिर उसके बाद कोई होल अगर उसमें होता है या आपने कोई होल बनाया या छोटी सी जगह खोल के रखी जहाँ से क्या है धूप आ रही है, जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो आप उस सनलाइट को केयरफुली देखेंगे तो वो एक बीम की तरह दिखाई देती है। एक बीम की तरह दिखाई देती है, यानी एक लेज़र की तरह दिखाई देती है। लेज़र लाइट जो होती है ना उस तरह बीम में फॉलो करती है, वैसे ही वो दिखाई देती है कि यहाँ से एक होल है जैसे कि ये दिख रहा हुआ है तो उसकी तरह निकल रही है। ये एक लाइट है, देखो ये इस होल से निकल रही है और यहाँ पड़ रही है, तो एक बीम की तरह दिखाई देती है। यही जो एक सीधी लाइन में जब मूव करती है इसको बीम कहते हैं। ठीक है, अब इसको आप इस जो जो सनलाइट जो यहाँ से निकल रही है उसको आप केयरफुली देखोगे तो आपको उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल दिखेंगे जो कि उसमें तैर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इजीली विजिबल हो जाएंगे डस्ट पार्टिकल। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीद थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ से एक बात और पता चली कि जब हम हवा जो सांस लेते हैं तो हमारे नोस्ट्रिल में जो एयर जा रही है तो उसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल भी जाते हैं, तो डस्ट पार्टिकल भी जाते हैं, तो इससे इसको अंदर जाने से बचाने के लिए हमारे जो नोज़ के अंदर हैं छोटे छोटे हेयर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं इस डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने नहीं देते, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाने देते। डू यू रिकॉल बींग स्कॉल्डेड बाय योर पेरेंट व्हेन यू ब्रीद थ्रू योर माउथ? इफ़ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स पे इंटर योर बॉडी। तो इसीलिए आपको लोगों ने कहा होगा या कभी सुना होगा आपने कि मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। मुंह से सांस लेने से क्या होता है कि जो भी एयर में डस्ट पार्टिकल वगैरह है वो आपके बॉडी के अंदर चले जाएंगे, इसीलिए नोज़ जो होती है वही सांस लेने के लिए बनी होती है, उसी से सांस लेनी चाहिए। वी मे कंक्लूड दैट द एयर कंटेन सम गैसेस वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। द गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमने देखा कि हवा में क्या होता है, गैस हमें कुछ गैसेस मिलती हैं और हवा में वाटर वेपर होता है और हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो गैसेस में क्या होती है, कुछ ऑक्सीजन होती है एक बहुत बड़ी अमाउंट में, यानी सबसे मेन अमाउंट ज़्यादा लार्जर अमाउंट में क्या होती है नाइट्रोजन होती है, और उसके बाद स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और भी कुछ छोटी छोटी और कुछ अमाउंट में गैसेस होती हैं। हाउ एवर देयर मे बी सम वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये भी हो सकता है कि कंपोजिशन ऑफ एयर जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता हो, यानी हो सकता है कि कुछ जगह पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो या कुछ जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। ठीक है, ज़्यादा हो यानी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मतलब वेरी करना यानी एक ओवरऑल परसेंटेज में ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आता है, यह है कि प्लेस टू प्लेस में कुछ इफेक्ट ज़रूर आ जाता है।
वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमने देखा कि हवा में जो है वो ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है। इनफैक्ट दीज टू गैसेस टुगेदर मेक अप 99%। इसीलिए कह रहे हैं कि जो दो गैसेस होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिल के क्या करती हैं, ये दोनों मिल के 99% गैस तो इन दोनों से ही बन जाती हैं। तो हवा में जो परसेंटेज होता है वो 99% तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है, बचा 1%, और इस 1% में बाकी कुछ अदर गैसेस होती हैं। रिमेनिंग 1% इज कंटिन्यूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस एंड वाटर वेपर। तो बचा हुआ 1% जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वाटर वेपर भी होता है और कुछ अदर गैसेस भी होती हैं। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल? ठीक है, तो अब ऑक्सीजन उनके लिए कैसे अवेलेबल होता है जो प्लांट और एनिमल जो कि पानी के अंदर रहते हैं या सॉइल में रहते हैं। ठीक है, टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर, हीट स्लोली ऑन अ ट्राईपॉड स्टैंड वेल बिफोर द वाटर बिगिन टू बॉयल, लुक केयरफुली एट इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर, डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन इनसाइड इट ऑफ ऑन द इनसाइड ऑफ द यूटेंसिल? तो आप कभी भी पानी गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो जैसे ही वो बॉयल होता है, उस बॉयल होने से ही पहले आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप उसकी सरफेस में देखेंगे, जिस भी यूटेंसिल में, जिस बर्तन में आप गर्म कर रहे हैं उसकी सरफेस देखेंगे, इनर सरफेस, तो उसमें छोटे छोटे बबल्स जो हैं, देखिए इस टाइप के बबल्स जो हैं अंदर की तरफ दिखाई देंगे जो कि उसकी सरफेस में बनना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, फिर ये बबल्स जो हैं धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, फिर उसके बाद वाटर वेपर बन जाता है। तो आप जो इसकी सरफेस में बबल्स देख रहे हैं गर्म होने के बाद, पानी के गर्म होने के बाद, दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो ये बबल्स कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि पानी में एयर डिजॉल्व होती है, यानी हवा डिजॉल्व होती है। ऑलरेडी पानी में हवा यानी एयर डिजॉल्व होती है, यानी उसमें घुली हुई होती है। वेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद, द एयर डिजॉल्व इन इट एस्केप्स एज यू कंटिन्यू हीटिंग, द वाटर इटसेल्फ टर्न इनटू वेपर एंड फाइनली बिगिंस टू बॉयल। वी लर्न इन चैप्टर 8 एंड 9 दैट द एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। तो अब यही हवा जो है, जैसे ही पानी को गर्म करते हैं तो यही जो हवा जो पानी में घुली हुई होती है ऑलरेडी, ये बाहर निकलने की कोशिश करती है, नीचे से बनती है, और बनने के बाद वो जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो जैसे ही पानी से बाहर निकलती है तो वो भाप बनती है, यानी वही हवा जो है, एयर जो है, सॉरी, भाप जो है वो आपका पानी जो है वो भाप बनने लगता है, और जो आपकी हवा जो है, ये नीचे जो है, ये आपकी हवा जो है उस गैप को, पानी के गैप को जो है वहाँ पे गैप बना देती है। ये सिंपली हम कह सकते हैं कि जैसे ही पानी को गर्म करोगे तो छोटी छोटी आपको पार्टिकल यहाँ पे इसके सरफेस में दिखने लगेंगे, बहुत छोटे छोटे। तो ये जो है ये हवा ही है, ये एयर ही है। ठीक है, और हमें इससे पता चल गया कि पानी में भी हवा घुली हुई होती है, और हमने चैप्टर नंबर 8 और 9 में भी ये पढ़ा हुआ है कि जो पानी के अंदर एनिमल्स होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं और वो सरवाइव करते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर, इजेंट इट? हाउ डिड दे गेट एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन? तो जो सॉइल में होते हैं उनको कैसे मिलती है ऑक्सीजन? टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास, एड वाटर टू इट एंड नोट वॉट हैपन, डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम सॉइल? दीज बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल। ठीक है, तो देखिए बबल्स जो निकलते हैं, अगर वो बबल्स पानी से निकल रहे हैं तो इसका मतलब जो है, तो उसके अंदर, पानी के अंदर भी हवा है,
और अगर मिट्टी को लिया और मिट्टी में किसी ग्लास में ले लिया और मिट्टी को लेने के बाद उसमें पानी डाला, तो अब पानी डाला उसमें पानी भर जाता है तो उससे भी बबल्स अगर निकल रहे हैं तो हमें पता चल गया कि सॉइल के अंदर भी कहीं ना कहीं हवा जो है, एयर जो है वो ट्रैप्ड है यानी फंसी हुई है, इसीलिए वो बबल्स निकल रहे हैं उससे। ठीक है, व्हेन द वाटर इज पोर्ड ऑन द लंप ऑफ सॉइल इट डिस्प्लेसेस द एयर विच इज सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो इस टाइप से जो एयर उसमें फंसी हुई होती है वो निकल जाती है। ठीक है, किसकी वजह से वो निकल जाती है, क्योंकि हम उसमें अब पानी डाल दिए हैं, तो अब उस हवा को निकलना पड़ेगा, इस्केप होना पड़ेगा। ऑफ बरोज एंड होल्स आर फॉर्म्ड इन डीप सॉइल बाय द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। ठीक है, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो होल और बड़े बड़े गड्ढे बना के भी रखते हैं और उसी के अंदर रहते हैं। ठीक है, और उससे भी एक तरीका है कि वहाँ से भी हवा वहाँ तक पहुँचती है। दीज बरोज ऑल्सो मेक स्पेसेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट द सॉइल। तो उस बरोज से भी और उस होल से भी हवा अंदर जाती और बाहर आती रहती है। ठीक है, वाटर फिल्स हाउ एवर वेन इट रेन्स हैविली वाटर फिल्स अप ऑल द स्पेसेस ऑक्यूपाइड बाई एयर इन द सॉइल। इन दिस सिचुएशन एनिमल लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। कुड दिस बी द रीज़न वाई अर्थ वर्म्स कम आउट ऑफ द सॉइल ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन्स। तो आपको पता चल गया कि अब क्या होता है कि जो मिट्टी के अंदर रहते होते हैं जानवर जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट जो भी होते हैं, तो अब उनको तो एयर जो है मिल जाती है, क्योंकि हवा जो है वो इस सॉइल में ट्रैप्ड होती है यानी फंसी हुई होती है। इसके अंदर छोटे 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 गैप होते हैं सॉइल में, वहाँ पे हवा फंसी हुई होती है, और जो होल्स वगैरह बनाए जाते हैं कुछ एनिमल्स के द्वारा, तो उससे भी हवा आती जाती है, जैसे कि रैट हो गया और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, स्नेक हो गया, वो होल बना लेते हैं। अब जब बहुत तेज़ बारिश होती है या बहुत भारी बारिश होती है, तो अब क्या होता है कि ये जो भारी बारिश है यहाँ पे सारी जगह पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, तो इसके अंदर जो हवा फंसी हुई है, अब मैंने आपने हर बार देखा है कि जहाँ पे भी पानी भरने लगता है तो वहाँ पे जो अंदर हवा होती है वो बाहर जाती है। तो वो जो हवा है, इसकी हवा जो है वो बाहर निकल गई, यार जो ट्रैप्ड थी वो बाहर आ गई, बबल्स के फॉर्म में बाहर आ जाए या किसी भी फॉर्म में, अगर उसको जगह हो पानी से निकलती है तो वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आती है। ठीक है, तो बबल्स के फॉर्म में या फिर जो भी एयर ट्रैप्ड थी वो बाहर चली गई, निकल गई, अब अंदर एयर नहीं बची। तो अब एयर नहीं बची तो अब अंदर रहने वाले जो एनिमल है तो वो कैसे रहेंगे अंदर, तो इसीलिए वो बाहर आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि बरसात के टाइम पे केचुए आपको बहुत ज़्यादा बाहर दिखते हैं, आसपास दिखाई देते हैं, इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि अब वो तो सॉइल के अंदर रहते हैं, अब सॉइल पानी भर गया तो उनके ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर रिप्लेस्ड। अब आते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कैसे रिप्लेस होती है। इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस प्लांट टेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद इट। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम, दैट इज़ वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ठीक है, अब चैप्टर 7 में हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, प्लांट में होता है। इस प्रोसेस में क्या होती है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। तो इसमें क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद इट, और इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन बाहर आती है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गया कि ऑक्सीजन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और क्या हम CO2 जो है एक्सहेल करते हैं या बाहर निकालते हैं। ठीक है, और इसीलिए ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट क्या करते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो अपना खुद फूड जो है अपना खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है उनको, CO2 की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम डालते हैं पानी की। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं यानी छोड़ते हैं। तो यहाँ से पता चला कि प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन के लिए, प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए होती है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन लेते हैं टेक जो करते हैं, ऑक्सीजन टेक करते हैं जो लेते हैं वो कम लेते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने 10 ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है तो वो लेते कितनी है, ऑक्सीजन लेते सिर्फ 2 हैं या 2 या 3 लेते हैं, तो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, इसीलिए हम कहते हैं प्लांट जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो बिना प्लांट के नहीं रह सकते। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, द विंड मेक्स ऑक्सीजन कैन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो प्लांट की वजह से ही बना हुआ रहता है, क्योंकि प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और हम जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो इसका परसेंटेज भी बना रहना चाहिए। दिस शोज़ द इंटर डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इससे पता चला कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटर डिपेंडेंट हैं, यानी एक प्लांट को हमारी ज़रूरत है और हमें प्लांट की ज़रूरत है। वी कैन नाउ अप्रिसिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ ऑन अर्थ। आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर, हैव यू हर्ड अबाउट विंड मिल, तो एयर तो लाइफ के लिए ज़रूरी है, ये चीज़ तो हमें पता चल गया, लाइफ विदाउट एयर नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो एयर है उसका और कोई भी यूज़ है। हाँ, एयर का यूज़ है, विंड मिल जो होती हैं उसमें हवा की ज़रूरत पड़ती है। देखो ये एक विंड मिल दिखाई दे रही है, इसमें क्या होती है कि जब हवा चलती है तो ये विंड मिल जो है बड़ी सी जिसमें बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं ये घूमती है। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट, द विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूब वेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स, तो ये विंड मिल जो है बहुत सारे काम में आती है, ये पानी निकालने के काम में, ठीक है, वाटर फ्रॉम ट्यूब वेल्स यानी ट्यूब वेल्स जो होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे या कुएँ होते हैं जो तो उसमें से पानी निकालने के भी काम में आती है, और फ्लोर मिल यानी चक्की चलाने के भी काम में आती है। विंड मिल्स आर आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, विंड मिल्स का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी होता है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याच, ग्लाइडर्स, पैरासूट एंड एरोप्लेन्स, तो ये जो याच होती है, जो नाव होती है पानी में चलने वाली, जो ग्लाइडर्स होते हैं, जो पैराशूट होते हैं, जो एरोप्लेन होती है, बर्ड्स होते हैं, बैट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ये सब फ्लाई क्यों करते हैं, हवा जो होती है वो प्रेजेंट होती है, इसलिए ये सब उड़ पाते हैं। एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स, तो इसके साथ साथ हवा किस में मदद करती है, डिस्पर्सल ऑफ सीड में मदद करती है, यानी जो सीड होती है, बीज जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, और जब बीज ये उड़ के चले जाते हैं तो उस जगह पे प्लांट उग जाता है। ठीक है, इस तरीके से कोई प्लांट के बीज जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वह दूसरी जगह पे भी प्लांट उग जाता है, और ऐसे ही प्लांट जो है डिस्पर्स होता है और बढ़ते जाते हैं प्लांट, तो इस चीज़ में भी हेल्प करती है। और साथ ही साथ ये जो पोलन होते हैं, आपने पोलन के बारे में सुना होगा, जो फ्लावर्स के जो पोलन होते हैं वो भी उड़ के दूसरी जगह जाते हैं,
और दूसरी जगह जाते हैं तो फिर उसके बाद वहाँ पे भी दूसरे प्लांट निकल जाते हैं या निकलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। हमने देखा कि एयर जो होती है उसमें मिक्सचर क्या होता है, और एयर मिक्सचर के साथ साथ यूजेस ऑफ एयर देखा। एंड नाउ दीज आर सम क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट इज व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर का कंपोजिशन क्या होता है, कितना होता है। तो हमें स्टडी किया है, एयर कंटेन्स सम गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। द गैसेस इन द एयर इन एयर इंक्लूड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेज। द गैसेज दैट मेक अप ऑफ मैक्सिमम प्रोपोर्शन आर नाइट्रोजन 78%। तो हम देखते हैं कि क्या क्या होती है गैस किसी हवा में, जो हवा आसपास है। 78% नाइट्रोजन होती है उसमें, ऑक्सीजन होती है 21 एंड 1% जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज होती हैं। ठीक है, विच गैस इन द एटमोसफेयर इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। कौन सी गैस जो है हमारे रेस्पिरेशन यानी सांस लेने के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है। हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग, कैसे प्रूव करोगे कि एयर जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है। व्हेन अ टम्बलर कंटेनिंग वाटर इज हीटेड टू लाइटेड कैंडल्स आर टेकन, वन कैंडल इज फिक्स्ड इन टम्बलर कंटेनिंग वाटर, द कैंडल इज कवर्ड बाय इन्वर्टेड ग्लास, आफ्टर सम टाइम द कवर्ड कैंडल गेट्स एक्सटिंग्विश्ड एंड वाटर एक्सटिंग्विश्ड। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये वाली लाइन नहीं होनी चाहिए। वाटर राइजेस, ठीक है, दिस शोज दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, बस हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिसॉल्व इन वाटर। अब कैसे शो करोगे कि एयर जो होती है वो वाटर में डिसॉल्व होती है। तो इसके लिए When a tumbler containing water is heated, tiny bubbles appear on the inner side. These bubbles appear before the water start boiling. So these must be air bubbles. This shows that the water contain air. तो जब भी किसी पानी को गर्म करते हैं तो उसकी सरफेस में छोटी छोटी बूंदें हमें दिखाई देती हैं, वो एक्चुअली में क्या होते हैं, एयर बबल्स होते हैं। और इससे पता चलता है कि इस पानी के अंदर जो है हवा घुली होती है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर, पानी में श्रिंक क्यों हो जाती है। लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर बिकॉज द एयर इनसाइड वूल कॉटन इज ड्रिवन आउट बाय द वाटर, द लेयर्स स्टिक टुगेदर एंड हेंस लंप श्रिंक्स। ठीक है, तो जो रुई होती है वो जैसे ही पानी में डालते हैं तो वो श्रिंक हो जाती है यानी सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हवा भरी होती है वो बाहर निकल जाती है, इसलिए वो सिकुड़ जाती है। बचा क्वेश्चन क्या है, द लेयर ऑफ एयर अराउंड अर्थ इज नोन एज, जो लेयर जो हमारे अर्थ के अराउंड में है उसको क्या कहते हैं, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, 7th नंबर, द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर यूज बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करने में। दिस 5 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, ऐसी एक्टिविटी बताइए जिससे पता चले कि वो सिर्फ हवा होने पर ही पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, एक्टिविटीज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, विनोइंग जो है हवा की मौजूदगी में, हवा प्रेजेंस होगी तभी हम विनोइंग कर सकते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है उसको उसमें भी एयर सपोर्ट होना चाहिए। ट्रांसपिरेशन के लिए और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड के लिए इसमें भी हवा की ज़रूरत है। रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, और फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स एंड फ्लाइंग ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को उड़ने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हमने कुछ 6 चीज़ें देखी जिससे पता चलता है कि हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है, 5 एक्टिविटीज़, तो हमें शायद 6 लिख दी। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, तो प्लांट और एनिमल एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं ये बताना है
फोटोसिंथेसिस जो होती है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं प्लांट और ऑक्सीजन बाहर करते हैं, छोड़ते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीदिंग यानी सांस लेने के टाइम पे वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स बाहर निकाल रहे हैं वही प्लांट्स ले रहे हैं, और जो प्लांट्स बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन वो हम ले रहे हैं, यानी वो हमें एनिमल्स को ज़रूरत पड़ती है और हमें भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बाय फोटोसिंथेसिस दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्लांट, दिस इज़ हाउ प्लांट एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इससे हमें पता चला एनिमल और प्लांट एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है। ये हुए सारे क्वेश्चन आंसर्स, कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।